नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग SPC राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम BA पार्ट प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि भक्ति आंदोलन का क्या रोल था भारतीय इतिहास और संस्कृति में। तो विद्यार्थियों, भारतीय परंपरा में मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। किस प्रकार जीवन मरण के क्रम से मुक्ति प्राप्त की जाए, इसका अन्वेक्षण ही भारतीय दर्शन और व्यवहार के मूल में एक जीवंत परंपरा के रूप में विद्यमान है। अनेक मनीषियों संतों ने समय समय पर मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। मध्यकाल में मुक्ति के लिए भारतीय समाज में भक्ति मार्ग को अपनाने पर अधिक बल दिया था। इस समय भक्ति चर्चा एक आंदोलन के रूप में प्रकट हो गई। उत्तर और दक्षिण भारत के अनेक संतों और आचार्यों ने विभिन्न प्रकार की भक्ति की के उपदेश देने में का प्रयास किया। भक्ति की संरचना सैद्धांतिक भावनात्मक और व्यवहारिक है। सैद्धांतिक रूप में भक्ति ईश्वर तथा भक्त के संबंधों का सिद्धांत का निरूपण है। भावनात्मक दृष्टि से ईश्वर मनुष्य के मध्य विभिन्न संबंधों की अनुमति तथा रसानुमत है तथा व्यवहारिक तौर पर भक्ति आराधना की विधियों, नैतिक तथा आध्यात्मिक चरित्र को परिभाषित करती है। भारतीय धार्मिक अवधारणाओं के वैदिक युग से लेकर किसी न किसी रूप में भक्ति के अस्तित्व के हमें संकेत मिलते हैं। विद्यार्थियों, अगले क्रम में हम देखेंगे कि भक्ति का उद्भव और विकास कैसे हुआ। वैदिक ऋचाओं में भक्ति का सैद्धांतिक निरूपण नहीं है, लेकिन इसमें अन्य आवश्यक तत्व विद्यमान हैं। वेदों के अधिकांश सूक्त प्राय देवताओं की स्तुतियां हैं। वैदिक ऋचाओं में देवताओं से माता पिता आदि के रूप में संबंध स्थापित करना, उनकी अनुकंपा की भीख मांगना तथा आत्मसमर्पण के तत्व उपयुक्त बात की पुष्टि करते हैं कि वैदिक धर्म में भी देवताओं की स्तुति की जाती है। उपनिषदों में भी ब्रह्मा के रूप में परम तत्व का उल्लेख किया गया है और इसी की भक्ति पर जोर दिया गया है। वैष्णव धर्म में भी भक्ति का अपूर्व विकास हुआ। इस परंपरा में विष्णु की भक्ति की जाती थी। शैव धर्म में भी इतिहास में हम देखते हैं कि शिव को परमात्मा और ब्रह्म के रूप में मानकर इसकी स्तुति की है। ऐतिहासिक युग में भक्तिवादी विचारधारा को अनेक बुद्धिजीवी और तार्किक सिद्धांतों पर आधारित करके अनेक प्रवृत्तियों का सामना करना पड़ा। इनमें बौद्ध, जैन, सांख्य, न्याय, वैदेशिक मीमांसा, चार्वाक आदि दार्शनिक विचारधाराओं का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन भक्तिवादी आचार्यों ने इन परंपराओं में निहित भक्ति तत्व की ओर संकेत करके भक्ति के विकास को अपनी आस्था प्रकट की है। वैष्णव और शिव पुराणों में भी अनेक कथाओं में विष्णु और शिव की महिमा का वर्णन किया है। दक्षिण भारत में भी भक्ति पर विशेष जोर दिया गया है। तो यहाँ विद्यार्थियों, हम ये देखेंगे कि दक्षिण भारत में भक्ति का स्वरूप क्या था और विशेषकर अलवार और नैनवार संत परंपरा क्या थी। चौथी और पांचवीं शताब्दी में दक्षिण में अडवार और नैनवार संतों ने भक्ति परंपरा को अत्यधिक विकसित किया। अडवारों की भक्ति में उपनिवेश और गीता की दार्शनिक भूमि, पंचरात धर्म की क्रिया परिचर्या, ऊर्जा अवतार को महत्व देने की प्रकृति तथा पौराणिक कथाओं में वर्णित ईश्वर का संपूर्ण मानवीकृत रूप जैसे सभी तत्व विद्यमान थे। पुराणों में भक्ति की सैद्धांतिक अवधारणाओं और व्यवहारिक विज्ञान की धार्मिक कथाओं के द्वारा एक शास्त्र का रूप दिया गया था। अडवारों ने इसे आत्मसात करके व्यक्तिक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में उसकी अभिव्यक्ति की है। इसकी रचनाओं में रागात्मक और साध्य भक्ति के दर्शन होते हैं। अडवार और नैनवार दोनों ही आत्मा को सांसारिक अनुभवों से परे उठाकर आध्यात्मिक तथा ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए मानते हैं। उन्होंने ईश्वर के साथ माँ, पुत्र, दास, स्वामी, प्रेमी, प्रेमिका जैसे मानवीय संबंधों की कल्पना